रसूल की मोहर लगवाऊंगा, अपनी तहारत पर फिर चादर के अंदर जाऊंगा। तकरीर तमाम हो गई, गुफ्तगु घंटे से ऊपर चली गई, लेकिन मुझे इजाजत तो दो कि मैं इस वाक़े को मुकम्मल करके कुछ दो जुमले मसाहिब के कहूँ। अभी मैं मसाहिब तक नहीं पहुँचा। अच्छा, तो नवासा गया और बगैर इजाजत लिए पुश्त रसूल पर बैठ गया। अच्छा, हमने फ़िक़्ह की सारी किताबों में पढ़ा कि सजदे में सुभान रब्बिया आला हो गए, हमने एक मरतबा वाजिब है और तीन मरतबा मुस्तहब। ठीक, चलो मान लिया कि एक मरतबा रसूल ने कहा था वाजिब की नियत से और तीन मरतबा कहा मुस्तहब की नियत से। बाकी जो कह रहे हैं, हुसैन का तसव्वुर ज़हन में है या नहीं, समझ रहे हो ना? बस आखिरी जुमला सुनो, खस्तगी महसूस कर रहा हूँ और गुफ्तगु आखिरी मरहलों में दाखिल हो गया। तो 70 मरतबा रसूल सुभान रब्बिल आला हो गए हमदे, सुभान रब्बिल आला हो गए हमदे। देखो, आज मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ और दूर तक आवाज़ जा रही है। अगर मैं यहाँ मिंबर की जगह मसल्ला बिछा के नमाज पढ़ूँ और माइक्रोफोन रखा हुआ हो तो आवाज़ बाहर तक जाएगी। अब रसूल के पास माइक्रोफोन तो है और रसूल है सजदे में और कहे जा रहे हैं सुभान रब्बिल आला हो गए हमदे, सुभान रब्बिल आला हो गए हमदे, और वो भी आहिस्ता फरमा रहे हैं, इसलिए कि ज़ोर की नमाज है। अच्छा, तो जब बहुत देर हो गई पर सुनना, तकरीर ही तमाम हो गई और ये गुफ्तगू का महाजन है, जब बहुत देर हो गई तो वो बड़े बड़े बुजुर्ग जो पीछे नमाजें पढ़ रहे थे उन्हें घबराहट हुई कि आखिर हुआ क्या, तो उन्होंने सजदे से सर उठाया, उठाया ना सजदे सर उठ गया, जहन में रहे भाई आखिरी जुमला मेरा, सजदे से सर उठाया, देखा कि पुश्त पे हुसैन बैठा है और रसूल अभी सजदे में है और कह रहे हैं सुभान रब्बिल आला हो गए हमदे। उन्होंने फिर सजदे में सर रख दिया, नमाज फिर मुकम्मल हो गई। तो सबकी नमाज में एक रकात में दो सजदे होते हैं और उस नमाज में एक रकात में तीन सजदे, भाई पूरी तरह महसूस करो तो मैं बात को मुकम्मल कर दूं, तीन हुए या नहीं हुए? तीन तो हो गए ना भाई। सजदे में गए, फिर देखा कि रसूल क्या कर रहे हैं, उठे और जब देखा कि रसूल सजदे में, फिर रख दिया, तो एक रकात में तीन सजदे हो गए। अब चूंकि बड़ों की बड़ी नमाजें थी और मजबूत लोगों की मजबूत नमाजें थी, इसलिए टूटने से बच गई। किसी ने नहीं कहा कि नमाजें बाद में फिर पढ़ ली थी, क्योंकि एक सजदा पढ़ गया था, किसी ने नहीं कहा। तो सजदा पढ़ने के बावजूद नमाज सही रही, भाई तवज्जो रहे, आखिरी जुमला, जहां जहां तक मेरे सुनने वाले सुन रहे, पूरी तारीख इंसानियत में खुदा के अलावा कुछ दो सजदे, एक आदम के लिए, एक हुसैन के लिए। एक जुमला कहना है और मसाहिब की तरफ जाना है, कुल एक जुमला। नारे तकबीर, बाहर से भी आवाज आ रही थी, जोर तक आवाज आया, नारे तकबीर, अगर मैसेज पहुंच गया तो तुम्हें एक जुमला हदिया करूंगा और फिर मसाहिब के दो जुमले। भाई पूरी तारीख इंसानियत में खैरुल्लाह के लिए दो सजदे, एक सजदा आदम के लिए इजाफा हुआ, एक सजदा हुसैन के लिए, एक सजदा
लिए, एक सजदा होता है इनके लिए। तो जो अब जो हश्र होगा मुनकिरे सजदा आदम का, वही हश्र मुनकिरे होता है इनका भी होगा। मुराद पाएगा, और जो नहीं लगाएगा वो उसके साथ ही जाएगा जिसने सजदा नहीं किया था। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हादरी। गुफ्तगु इस मरहले पर इख्तिताम पज़ीर हो गई। मैं बहुत माज़रत ख्वाह अपने सुनने वालों से कि गुफ्तगु तवील हो गई, लेकिन जरूरत थी शाबान के हवाले से। और मुझे ये कहना था कि रसूल के सजदे में नवासा पुश्त पे आके बैठ गया और वो सजदा रुक गया। क्यों रुका? इसलिए रुका कि वो रसूल की नमाज का एक सजदा है, और वो जो बैठा हुआ है वो कयामत तक के सारे सजदों का माफी। अहमियत समझो सजदे की, सजदे की अहमियत समझो, वो कयामत तक के सजदों का माफी है। और ये जो आशूर का दिन है ना, इसके लिए एक जुमला सुन लो, और ये जुमला याद भी रखना, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे जुमले कहा करता हूँ। आशूर का दिन है, शुरू हुआ है अकबर की अजान से और खत्म हुआ है हुसैन के सजदे से। ये मैसेज पहुंच गया, ये मैसेज अगर पहुंच गया तो मुझे इजाजत दे दो। अब्बास, हुसैन की मदद में कभी न करना। ये सुनना था कि सर को झटका दिया, खुद गिर गया, अंगड़ाई ली लोहे की तरह टूट गई, रेखाबों पे जोर दिए, रेखाबे टूट गई, और फरमाने लगे अब तो शक जाओनिया जुहैर फिर मिसे हाजिर जाऊं। जुहैर, आशूर के दिन के लिए तुम मुझे गैरत दिला रहे हो, अगर मेरे मौला ने इजाजत दे दी तो अब्बास वो तलवार चलाएगा कि कूफा और शाम की फौजें याद रखेंगी। बस मेरे अजीजों, तुम रो चुके, आज मैं तवील वसायर नहीं पढ़ा करता। अगर मेरे मौला ने इजाजत दे दी तो मैं कल वो तलवार चलाऊंगा कि ये आई हुई फौजें, इनकी नस्लें मेरी तलवार को याद रखेंगी। आशूर का दिन आया, सब गए, कोई जिंदा वापस ना आया। अब्बास आए, हाथों को जोड़ा, कहा मौला मुझे जंग की इजाजत है। कहा अब्बास नहीं, तुम्हें जंग की इजाजत नहीं। कहा मौला सबक फरमाएंगे? कहा हाँ अब्बास, तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो, पर नजर जमीन में शमाला। अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा, और रो के कहा कि मौला अब वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमबरदार हूं। का अब्बास कुछ भी हो तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, मैं जो रिवायत पढ़ा करता हूँ मख्तल की जिम्मेदारी से उसे अर्ज करूंगा और याद करूंगा। नहीं मिली इजाजत अब्बास को, इजाजत नहीं मिली, नहीं मिली। आए, पूरा कैरेक्टर अब्बास का जहन है, आए, आंखें उगली हुई हैं, परेशानी है कि पैदा हुआ हूं आशूर के दिन के लिए और मुझे इजाजत नहीं मिल रही है। ये सोचकर शहजादी ज़ैनब के खैमे के दरवाजे पर उखड़ू बैठ गए। अब्बास, अब्बास सोच रहे हैं कि मुझे मौला ने इजाजत तो नहीं दी। इतने में ज़ैनब के खैमे से सकीना की आवाज आई, छुपी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं, छुपी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। बस यह सुनना था कि अब्बास खड़े हो गए, पुकार के कहने लगे बेटा सकीना मेरे पास आना। बच्ची दौड़ती हुई अब्बास के पास आई, अब्बास ने कहा बेटी बहुत प्यासी है। कहा हाँ चाचा जान बहुत प्यासी हूँ। कहा दौड़ के जा अपना छोटा मशीदा ला,
और अपने बाबा से इतना कहने में बड़ी प्यासी हूँ। आखिरी जुमला तकरीर का आखिरी जुमला। बच्ची दौड़ती हुई खेमे में गई, अपना छोटा बच्चीजा उठाया, दौड़ती हुई चचा के पास आई। अब्बास ने सकीना को गोद में लिया और ये कह के ले चले कि बेटी अपने बाबा को मशीना दिखला दे और ये कायदे में बहुत प्यासी हूँ। हुसैन दूर बैठे हुए हैं, हुसैन की निगाह सकीना पे पड़ी, हुसैन की निगाह अब्बास पे पड़ी। तकरीर तमाम कर रहा हूँ। एक जुमला हुसैन ने अब्बास से कहा, एक जुमला हुसैन ने सकीना से कहा। इन दो जुमलों पर मैं तकरीर को तमाम कर रहा हूँ। मशकीजा सकीना के हाथों में और सकीना अब्बास के हाथों में। अब्बास सकीना को गोद में लिए हुए जब हुसैन के सामने आए तो हुसैन ने ठंडी सांस ली, अब्बास को सर से पांव तक देखा और कहने लगे, अब्बास मैं समझ गया कि तुम भतीजी को क्यों लाए हो। जाओ अब्बास, मैंने तुम्हें पानी लाने की इजाजत दी। जुमला तुमने आसानी से सुन लिया, अब जो सकीना से कहा जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। अब्बास जाओ पानी लाने के लिए। और एक मतलब हुसैन ने बेटी को देखा, कहा बेटी अब तो चचा को इजाजत दिलवा रही है, जब राह कूफा शाम में जालिम तुझे तमाचे मारेंगे तो तू अपने चचा को बहुत याद करेगी। जब काफिला चला है और शिमर ने कभी भी ताजिया न उठाया तो बच्ची नो के लहजा पर अब्बास के सर को देखती थी, वाह वाह था चचा मेरी मदद को, चचा मेरी। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پروردگار ایسی بات کو قبول الہی آمین پروردگار ہمیں کامل ایمان الہی آمین ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق دے آمین پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، مرحوم کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما، پروردگار ملک کو مستحکم فرما، ملت اسلامیہ کو متحد فرما، تعظیم فرما، آمین۔